मैं सर रात दर्द से तड़पती थी। ऑपरेट के टाइम पे इन्होंने एक ड्रिप लगाई है, वहाँ पे खत्म हुई है, फिर दूसरी ड्रिप लगाई है, उन्होंने दो टीके लगाए हैं। बोल रही थी कि इसकी हार्ट बीट ठीक नहीं है, बच्चा नीला पड़ रहा है, तो वो कह रही इनके घर वालों को दिए थे। उन्होंने बोला 10 मिनट में ले जाओ, नहीं तो इसकी डेथ हो जाएगी। सब दो नंबर काम कर रहे हैं यहाँ पे, अवाम का खून चूस रहे हैं और कुछ भी नहीं। रोजाना 3 ऑपरेट करते हैं, रोजाना उनको छुट्टी कर रहे हैं, कोई मरे कोई जिए, ये कहते हैं बस आपका टाइम खत्म हो गया है हमारे हॉस्पिटल में, हमारे नए पेशेंट आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूँ रुकैया नईम। नाज़रीन, किसी भी माँ के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे और दर्दनाक और कोई बात नहीं हो सकती कि वह अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। लेकिन मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बदनसीब माँ से करवा रही हूँ जिन्होंने अपनी फूल जैसी बच्ची को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। यह वाक़या कब, क्यों और कैसे हुआ, इन सवालों के जवाब हम उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना नाम बताएं और आप दौरान डिलीवरी आपकी एक बच्चे की डेथ होती है, ये कब और कैसे हुआ? मेरा नाम कमल शहजादी है। मैं हॉस्पिटल में गई थी बुध वाले दिन, उन्होंने जुमेरात का टाइम दे दिया 10 बजे का, कि 10 बजे ऑपरेट है आपका। मैं उधर से डॉक्टर मुझे लेके गई है, उन्होंने आगे ऑपरेशन थे तो ऑपरेशन के बाद उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने मुझे लिटा दिया। उन्होंने बोला कि तबीयत ठीक नहीं है, वैसे मैं ठीक ही थी, बच्चे की हार्ट बीट थोड़ी सी कम थी, तो उन्होंने मेरा ऑपरेट किया, ना साइन लिए ना कुछ। उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड, मैंने बोला मेरे घर पे हस्बैंड है, उन्होंने बोला फोटोकॉपी, मैंने कहा वो आएंगे तो दे देंगे, इसके अलावा उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की। प्राइवेट हॉस्पिटल था, कहाँ पर ये वाक़या है? सैरपुर रोड पे प्राइवेट था। ऑपरेशन के लिए ले गए थे, फिर मेरे बाद में हस्बैंड आए थे, जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो बच्ची की हार्ट बीट ठीक नहीं थी, अभी ऑपरेट चल रहा था मेरा, तो उन्होंने बोला जो करती हैं साफ वगैरह बच्चों को, वो बोल रही थी कि इसकी हार्ट बीट ठीक नहीं है, बच्चा नीला पड़ रहा है, तो वो कह रही उनके घर वालों को दे दो। आपकी बच्ची की डेथ वहीं पर उसी हॉस्पिटल में हुई? जगह नहीं, होली फैमिली में ले गए थे, ऑक्सीजन ना होने की वजह से ना मेरी बच्ची की डेथ हुई। होली फैमिली कैसे लेके आए आप? वो मेरे हस्बैंड लेके गए थे, मेरी सिस्टर थी और मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने बोला 10 मिनट में ले जाओ नहीं तो इसकी डेथ हो जाएगी। कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है। तो ये आपका दूसरा बच्चा था? जी, मेरी पहली बेटी भी ऑपरेट से हुई है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ना इन्होंने मेरी अल्ट्रासाउंड देखी है, पहले महीने से लग के एंड महीने तक इन्होंने कुछ भी नहीं देखा, ना दवाइयाँ दी हैं ना टीके लगाए हैं, सिर्फ ऑपरेट के टाइम पर इन्होंने एक ड्रिप लगाई है, वहाँ पर ख़त्म हुई है, फिर दूसरी ड्रिप लगाई है, उन्होंने मेरे 2 टीके लगाए हैं बस, छोटे वो 2 टीकों वाली ड्रिप लगाई है वाइट कलर की, और कुछ भी नहीं लगाया। मुझे सारी रात पेन होती रही है, इनको बुलाते थे वो कहती थी अभी नहीं लगानी, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। मैं सारी रात दर्द से तड़पती थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, वो कह रहे अभी जाओ, हमारे और ऑपरेट आ रहे हैं। आप अभी मतलब इससे पहले आप जो मंथली चेकअप करवाती थी इसी हॉस्पिटल से करवाती थी या जस्ट डिलीवरी के लिए वहाँ पर गई? सिर्फ डिलीवरी के लिए गई थी, मैं किसी और हॉस्पिटल में करवाती थी, हॉस्पिटल तो नहीं था, वो भी छोटा सा क्लिनिक था जिधर से मैं करवाती थी बस। तो यहाँ पर जब आप गई थी एमरजेंसी में गई थी? जी, एमरजेंसी तो इतनी ख़ास नहीं थी, जब मैं करवाती थी अल्ट्रासाउंड तो उसको मैं यही बोलती थी कि सिर्फ बच्चे की हार्ट बीट कम चलती है और उसकी वजह से मेरा सांस रुकता है, तो वो कहती थी अच्छा 1 हफ्ता और निकाल लो, मैं 1 हफ्ते के बाद जाती थी, फिर वो कहती थी चलो ठीक है आपका ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं 34 हफ्ते हैं, तो मेरे मुताबिक वो पूरे हफ्ते थे, 36 थे, तो होली फैमिली के मुताबिक बच्चा पूरे दिनों का था, 2.5 किलो का बच्चा था, 2.5 किलो का बच्चा 34 हफ्तों का नहीं होता। कितने चार्जेस आपको आपसे उन्होंने कितने लिए? मेरे से उन्होंने 35 मांगे थे,
फिर उन्होंने 42 लिए मेरे से। सर आप बताइएगा, आप इसमें आपको क्या लगता है किसकी मिस्टेक थी, किस तरह से ये सारा वाकया रुनमा हो गया? देखें इनके पास, इनको पता है कि बच्चे की हार्ट बीट कम है, ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। इन्होंने उधर 15 से 20 मिनट ऑक्सीजन दे के ऑपरेशन के बाद तो हमें कहते हैं कि आप आगे ले जाएँ इनको किसी हॉस्पिटल में। हम कहाँ ले जाएँगे, आप हमें कोई रेफरेंस देंगे तो हम ले के जाएँगे ना। तो मैंने इनको बोला है कि हम अपना सिलेंडर ले के आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं आप सिलेंडर ना लें, आप बच्चे को ले जाएँ कि बच्चे की हार्ट बीट मतलब सांसें कम है, 15 से 20 मिनट में आपके पास बंदोबस्त हो सकता है तो ठीक है, वरना ये बच्चे की डेथ हो जाएगी। मैं हॉली फैमिली लेके गया, हॉली फैमिली वालों ने बोला है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी तो आपने ऑपरेशन क्यों करवाया, ये तो बच्चा ऑक्सीजन की वजह से मर जाएगा, ये तो 90% समझ लो मर गया बच्चा, ठीक है। उन्होंने हमें फ़ौरन ऑक्सीजन लगाई, 10 मिनट ऑक्सीजन लगा के उन्होंने फिर ऊपर बच्चों की वार्ड में शिफ्ट किया। वहाँ पर उन्होंने हमें डोंकी पम्प दिया, जो कि हम 8 से 9 घंटे मुसलसल ऑक्सीजन देते रहे बच्चे को हाथ से डोंकी पम्प से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बच्चे को शीशे में लगा दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मतलब है जब इधर से मेरे मरीज़ को छुट्टी हो जाती है तो थोड़ी देर बाद गुजरती है तो बच्चे की भी डेथ हो जाती है उधर से। इनके पास ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं थी, कोई टीके नहीं लगाए, कोई बस ऐसे के आद मुँह छोड़ दिया इन लोगों ने, हमें रस्ते में छोड़ दिया, ठीक है, कि हम तो 75,000 लेते हैं ऑपरेशन का, तो आपसे तो हमने कुछ लिया भी नहीं है, ना कोई हमने से इन्होंने डिस्चार्ज स्लिप दी है, ना कोई दवाइयाँ वो इन लोगों ने लिख के दी हैं जो कि हमने फिर वापस करके तो नई दवाइयाँ मंगवाई हैं जो ऑपरेशन के काबिल थी, जो इनकी दर्द को आप कंट्रोल में कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने आपको अगर फाइल जो होती है एक हॉस्पिटल की, जब आप एडमिट करवाते हैं किसी को भी हॉस्पिटल में तो फाइल बनती है, तो क्या उन्होंने फाइल भी आपको नहीं बना के दी? कुछ भी नहीं मुझे दिया इन्होंने, सिवाय इनके पास मेरी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इसके अलावा इनके पास मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ना ही हमें इन्होंने कोई फाइल दी है। इन्होंने एक ही चिट पर दवाइयाँ लिख के दी हैं और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। मतलब जब आप डिस्चार्ज कर रहे थे, जब कह रहे थे कि बच्ची में ऑक्सीजन की कमी है उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है, आप इसी के ले जाएंगे या डिस्चार्ज कर रहे थे, तो डिस्चार्ज स्लिप है आपके पास? डिस्चार्ज स्लिप इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बच्चा दे दिया, हम हॉस्पिटल चले गए, उधर से हॉली फैमिली वालों की हमारे पास डिस्चार्ज स्लिप है जब मतलब बच्चे की डेथ हो गई थी। इसके अलावा इस हॉस्पिटल का हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि इन्होंने हमें कोई दिया हो, कुछ भी नहीं दिया। अगर इनके पास हैं, अगर ये कहते हैं कैमरे लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, ये चेक कर लें कि बच्चे को कितना टाइम इन्होंने ऑक्सीजन लगाई है, ठीक है, और कितने टाइम बाद बाहर भेज दिया, और कितने मेरी बीवी को इन्होंने टीके लगाए हैं, ये अपना मौका बता रहे हैं कि हमने 12 टीके लगाए, आपने 12 चीज़ किस चीज़ के टीके लगाए हैं। अब मैं घर में डॉक्टर को बुला के एक इंजेक्शन लगाता हूँ, सारा दिन दर्द का आराम रहता है, इन्होंने तो 12 लगाए, किस चीज़ के लगाए, एक लगाते तो दर्द ठीक हो जाता है। सब 2 नंबर काम कर रहे हैं यहाँ पे, आवाम का खून चूस रहे हैं और कुछ भी नहीं। रोज़ाना 3 ऑपरेट करते हैं, रोज़ाना उनको छुट्टी कर रहे हैं, कोई मरे कोई जिए ये कहते हैं बस आपका टाइम ख़त्म हो गया है हमारे हॉस्पिटल में, हमारे नए पेशेंट आ रहे हैं। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है इमरान वज़ीर आज़म इमरान खान से और सब मतलब है डॉक्टर जितने भी आला अहदेदार हैं उनसे दरख्वास्त है कि इनके बारे में फ़ौरन एक्शन लिया जाए हॉस्पिटल के बारे में। खुद उनके खिलाफ़ क्या कोई कार्रवाई कर रहे हैं? जी मैंने उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन वगैरह करवाई हुई है हॉस्पिटल थाने न्यूटाउन में। तो अभी तक FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई? अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है मेरी, आज भी ये तफ्तीशी अफसर से बात हुई है तो उसने पूछा कब आपने एप्लीकेशन करवाई है, मैंने कहा 2 दिन पहले, तो कहता है मुझे तो अभी पता नहीं है, खैर तो मैं अभी कचहरी में हूँ तो 4 बजे वापस आके तो फिर आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। FIR अभी नहीं कटी, खाली एप्लीकेशन हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी तरफ से कोई रब्ता किया गया, आपको थ्रेड किया गया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? जी जी उनकी तरफ से मुझे रब्ता किया जा रहा है, उनके अभी एक वकील का फ़ोन आया मुझे कि मैं वकील साहब बात कर रहा हूँ उनका, तो आप ये थाने कचहरी को मतलब इधर उधर छोड़ें, सहाफत को या मीडिया वालों को ना इंटरव्यू दें, आप इधर डायरेक्ट हमारे साथ अदालत में रजू करें, ठीक है। तो मैंने कहा चलो जी पहले मैंने दरख्वास्त करवाई हुई है, ठीक है, वो मतलब उधर से मुझे कुछ बताते हैं तो मैं कचहरी में भी इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनसे। हॉली फैमिली में जब लेके गए थे तो उन डॉक्टर्स ने क्या कहा? हॉली फैमिली वाले डॉक्टर ने भी अभी यही कहा है कि आप ऑपरेशन कहाँ करवाया है, तो हमें तो हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता था, ये तो क्लिनिक था, ठीक है, तो हमने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं थी तो आपने ऑपरेशन क्यों करवाया है। उन्होंने फ़ौरन ऑक्सीजन दी तो बच्चे की मतलब सांसें चलना शुरू हो गई, ठीक है, उसके बाद उनके बाद भी ऑक्सीजन नहीं था तो हमने डोंकी पम्प के साथ उनको ऑक्सीजन देते रहे हैं। आपने खुद इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया एक हॉस्पिटल जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं? क्या आपने किसी ने आपको रेफ़र किया था या ये खुद आपने रिस्क लिया था प्राइवेट क्लिनिक का, आपने रुक क्यों किया था? ये यहाँ से हम अल्ट्रासाउंड वगैरह घर वाले करवाते थे ना, ये उन्होंने अपने रेफरेंस से भेजा है कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, ठीक है, हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं, ठीक है, तो आप हमारे रेफरेंस से वहाँ पे जाएं, हम उनके रेफरेंस से गए हैं, ठीक है। मैं अगर खुद साथ जाता ना तो मैं वहाँ पर कभी ऑपरेशन ना करवाता, मेरी बच्ची घर थी तो मैं उसके पास था, तो मैंने अपनी सिस्टर को साथ भेजा कि आप जाएँ मैं पीछे आ जाता हूँ, अब ऑपरेशन हो भी रहा था तो मैं वहाँ पर पहुँच गया था।
जी नाजरीन, एक माँ पूरे 9 माह अपने बच्चे को पेट में रखती है इस खुशी और इस सुकून के साथ कि जब वो बच्चा पैदा होगा, जब वो दुनिया में आएगा तो अपने हाथों से खिलाएगी। लेकिन ये वो बदनसीब माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को सिर्फ 1 घंटे के लिए देखा और प्राइवेट हॉस्पिटल की गफलत की वजह से अपनी बच्ची को गंवा बैठे। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम और साफ डिजिटल, इस्लामाबाद।